हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 क्लास 10 साइंस के लिए। आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी। इससे पहले की वीडियो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारे साथ स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को स्टडी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में काफी क्वेश्चंस हम स्टडी कर चुके हैं। आप अगर उनको करेंगे तो आपको सेक्शन सी आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन सी का 2700 क्वेश्चन है और यहाँ पे ये पूछा गया है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ पी प्लांट राउंड येलो सीड्स। सो राउंड येलो सीड्स प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया गया है। राउंड येलो सीड्स प्लांट को राउंड येलो सीड के साथ क्रॉस किया गया है और क्रॉस करने के बाद 1112 प्लांट आए हैं इन सबको टोटल करके। अब 1112 प्लांट आने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि एनालाइज करो इस रिजल्ट। सो ये जो रिजल्ट आया है, ये 4 टाइप्स ऑफ प्लांट आए हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। सो ये जो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट आए हैं, 1112 प्लांट आए हैं इन दोनों को सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद इसके रिजल्ट को एनालाइज करना है। रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 64 से इन सभी को डिवाइड कर देते हैं। 64 क्योंकि सबसे छोटा अंक है यहाँ पे, तो 64 से डिवाइड करने पे यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 3 आ रहा है, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 3 और यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 9 आ रहा है। सो ये हमारा मेंडेलियन रेशियो बन रहा है 9:3:3:1। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस है, मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस है और डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का रेशियो आता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये पता लग जाता है, एनालाइज द रिजल्ट में 9:3:3:1 रिजल्ट है। दूसरा हमें बताना है कि न्यू कॉम्बिनेशन के साथ साथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी हमें देखने को मिलती है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे राउंड येलो सीड भी है, तो राउंड येलो तो पेरेंट थे, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल रही है, सेकंड में लिखेंगे। थर्ड में हम ये लिखेंगे कि प्रोजेनी प्लांट्स, यानी जो प्रोजेनी प्लांट्स, ये जो सारी प्रोजेनी आई है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो या रिंकल ग्रीन, ये सारी की सारी जो है वो एक सेट ऑफ जीन से नहीं है, ये पेरेंट के मिक्स होने के बाद आई हैं। मतलब ये राउंड यहाँ से सेल्फ हो रहा है येलो सीड्स प्लांट और राउंड सेल्फ सीड्स प्लांट, तो यहाँ पे राउंड रिंकल जो आ रहा है वो रिंकल, यानी ये जो राउंड येलो है इसमें कहीं ना कहीं रिंकल पार्ट रह गया है हिडन, इसलिए वो रिंकल यहाँ पे आ रहा है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट हो गया 9:3:3:1। नेक्स्ट आ गया कि न्यू कॉम्बिनेशन एब्जॉर्व हो रहे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ, और थर्ड आ रहा है कि न्यू प्रजनी बन रही है नई प्रजनी के साथ साथ। इसके बाद हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें यहाँ पे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट 9:3:3:1 है, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन आ रही हैं, जैसे कि आप प्रोजेनी प्लांट और कुछ नए प्लांट्स मिक्स करके आ रहे हैं क्योंकि दो पेरेंट हैं। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उनके बीच में इंडिविजुअल जीन्स आपस में क्रॉस होते हैं और इंडिपेंडेंटली न्यू प्लांट्स, न्यू कॉम्बिनेशंस आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। मेल अगर X क्रोमोसोम देता है और फीमेल भी X देती हैं तो XX आएगा, और मेल फीमेल को XX देगा तो फिर ये XX आएगा। अगर मेल Y क्रोमोसोम डोनेट करता है नेक्स्ट प्रोजेनी के लिए, फीमेल तो हमेशा XX क्रोमोसोम ही देती हैं, तो यहाँ पे XY कॉम्बिनेशन आएगा, और अगर यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे भी XY कॉम्बिनेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि XX यहाँ पे दो बार है, यानी फीमेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है और मेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इन ह्यूमन देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल विल बी बॉर्न। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको ये क्रॉस लिखना होगा, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा गया है कि प्लास्टिक कप की जगह हमने कूल्हड़ का इस्तेमाल किया, और कूल्हड़ कप की जगह फिर हमने पेपर कप का इस्तेमाल किया। पहले हम प्लास्टिक कप का इस्तेमाल करते थे, फिर कूलर यानी मिट्टी के कप का इस्तेमाल करते थे जिन्हें हम कूलर कहते थे, और फिर थर्ड में पेपर कप्स का इस्तेमाल किया हमने। ऐसा क्या रीजन है कि प्लास्टिक कप से कूलर की तरफ हम गए और कूलर कप से फिर पेपर कप की तरफ गए? तो आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिक जो है
वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब प्लास्टिक जो है वो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता और एनवायरनमेंट में नहीं आता। इसको हमें रिसाइकल करना पड़ता है, रिसाइकल करना पड़ता है। और आप सभी को पता होगा कि रिसाइकल में अभी कंपेन चली थी लास्ट ईयर सिंगल यूज प्लास्टिक की। सिंगल यूज प्लास्टिक का अर्थ है कि वह प्लास्टिक कप्स या वह प्लास्टिक बॉटल जिनको आप सिंगल यूज करते हैं, मतलब सिर्फ एक बार यूज करते हैं, उन्हें हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक कप है, इसके बाद हम चले गए कूलर के पास, यानी कूलर को हमने इस्तेमाल किया। ये जो कूलर है ये बनते हैं मट्टी से, और मट्टी से बनने के कारण ये फायदेमंद तो है प्लास्टिक कप के हिसाब से, लेकिन ये जो कूलर है ये हीट, मट्टी को हीट करने के बाद बनते हैं। और ये कूलर अगर मट्टी में दोबारा मिलाया जाए तो इनको थोड़ा टाइम लगता है एनवायरनमेंट के थ्रू मट्टी के अंदर वापस मिलने में। और इन कूलर के कारण से लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है टॉप लेयर का यानी फर्टाइल सोयल का लॉस होता है, क्योंकि ये कूलर बहुत आसानी से मट्टी के साथ नहीं मिलते, इनको भी समय लगता है नेचुरल मट्टी के साथ मिलने में। इसलिए हमने पहले प्लास्टिक कप का इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमें पता लगा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वेस्ट है और इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, फिर हमने कूलर का इस्तेमाल किया। लेकिन हमें ये फिर बाद में पता लगा कि कूलर का अगर हम इस्तेमाल करें तो कूलर से जो मट्टी हीट हो जो बना है कूलर, ये जो कूलर है ये भी मट्टी में नहीं मिल पाता आसानी से। इस कारण से कूलर के बाद हम आ गए पेपर कप्स पे। और पेपर कप का इस्तेमाल इसलिए इजी है क्योंकि एक तो कैरी करना आसान है, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब पेपर पे अगर जैसे ही पानी पड़ता है तो पेपर गलने लग जाता है, यानी छोटे छोटे पीसेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा टूट जाता है और फिर मट्टी में मिल जाता है। और इन्वायरमेंट कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता जो कि प्लास्टिक को बर्न करने पे हो रहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है, इनमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि हाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। तो यूरिन प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक फिल्टरिंग ऑर्गन होता है नेफ्रोन, और नेफ्रोन के कई सारे पार्ट में अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे बॉमन कैप्सूल के पार्ट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ मैं, और रीअब्जॉर्प्शन होता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे, और नेक्स्ट है सिक्रीशन जो लास्ट रीनल ट्यूब्यूल के लास्ट में पाइवोटल ट्यूब्यूल्स पे होता है। तो आप समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इन माइक्रो पार्टिकल्स में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू वापस आ जाती हैं, और एक्सेस वाटर भी वापस आ जाता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आप समझ में आ रहा होगा कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इसमें 90% फिल्ट्रेट, यानी 90% 10% ही जाया जाता है, 90% वापस चला जाता है, फिल्ट्रेट में चला जाता है। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इस 90 में से 80% वापस आ जाता है और बाकी जो बचा 10% ये सिक्रीशन के थ्रू वापस जो है यूरिन में चला जाता है, ताकि यूरिन बॉडी के आउटसाइड यूरिया लेके बाहर जा सके। क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है, इतनी सारी रिएक्शंस है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इन 4 टाइप्स में से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो इन दोनों एंडोथर्मिक भी होनी चाहिए और डिकम्पोजिशन भी होनी चाहिए। एंडोथर्मिक का मतलब है कि इसमें हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो, और डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन हो रिएक्टेंट्स का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हीटिंग ऑफ लीडिंग नाइट्रेट में हमें हीट की जरूरत है, और लीड नाइट्रेट जो है वो ब्रेक होता है डिफरेंट लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में ये लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है। और सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो H+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है, यानी ब्रेक भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, यानी इन दोनों में एंडोथर्मिक भी हो रहा है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रहा है। बी पार्ट में पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड व्हेन कैप्ट इन ओपन टर्न ग्रे। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम ओपन में रखें यानी एयर में रखें, जब जहां पे धूप आती है वहां रखें, तो ये ग्रे होने लग जाता है, इसका एक बैलेंस इक्वेशन लिखें। तो सिल्वर क्लोराइड ये रखा है सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो ये हो गया सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गया, यानी ये एक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सनलाइट की सहायता से सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपको टेबल दे रखी है, एलिमेंट्स दे रखे हैं ए
बी सी डी ई, फाइव एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, विच एलिमेंट इज अ मेटल विथ वैलेंसी टू। सो आपको पता है कि ये सेकेंड ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसी टू होगी। तो यहाँ पे डी एज इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल इन ग्रुप टू, तो लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल्स और क्योंकि ग्रुप टू में है तो ये हो जाएगी इसकी वैलेंसी टू, तो डी हो गया। नेक्स्ट पूछता है विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव वह एलिमेंट्स होते हैं जो नोबल गैस होते हैं और नोबल गैस की श्रेणी में हमारा 18th ग्रुप आता है, जैसे नियोन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये है हमारा नोबल गैस, इसलिए नोबल गैस में आ गया सी एज इट इज ग्रुप 18 नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। तो आप सभी को पता है कि यहाँ लेफ्ट साइड में एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है और राइट साइड में एटॉमिक रेडियाई छोटा होता है, क्योंकि राइट साइड में जैसे जैसे हम जाते हैं एटॉमिक चार्ज बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की मात्रा बढ़ती जाती है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की मात्रा बढ़ने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक रेडियाई छोटा है होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो डी का एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा और ई का एटॉमिक रेडियाई छोटा होगा क्योंकि ई का न्यूक्लियर चार्ज डी के न्यूक्लियर चार्ज से बड़ा है और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने नजदीक होल्ड कर सकता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए। सो हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है, कैल्शियम का 20 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है 2881, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, और क्लोरीन का 17 होता है तो क्लोरीन का 17 के हिसाब से हमने लिखा है 287। ओके, फिर यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से, हमारे पास बन रहा है CaCl2। तो कैसे बन रहा है, एक कैल्शियम है और यहाँ पे है क्लोरीन। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर रहा है। डोनेट करने के बाद कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो क्लोरीन है, यहाँ पे आ गया 2 और ये बन रहा है Ca+2, 2Cl-। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला में CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Why do ionic compound not conduct electricity? तो ionic compound electricity क्यों नहीं conduct करते? तो आप सभी को पता है कि ionic compound जो होते हैं वो ionic इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो ions होते हैं और ions तभी काम करते हैं जब वो liquid में हो। अगर solid में होंगे तो वो electricity conduct नहीं करते। तो यहाँ पे हमने दे रखा है ionic compound do not conduct electricity in solid state due to absence of free ions। तो free ions की absence में ionic compound electricity conduct नहीं करते और फ्री आयंस तभी उनको मिलेंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन में होंगे। चलिए सेक्शन सी का आखिरी सवाल करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, डायमंड 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और डायमंड हमें दे रखा है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बेस पे, जो हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 2.42। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं कि ये चीज़ें गिवन है, उसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। सो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी वो लाइट को अधिक से अधिक बेंड करेगा। तो डायमंड जो है उसमें लाइट की स्पीड जो होगी वो कम होगी और इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर इन वाटर एज कम्पेयर टू डायमंड। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ध्यान देखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा वो नीचे आ जाएगा अपने आप, तो नीचे आ जाएगा 1.33 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होगा वो ऊपर आ जाएगा 2.42। तो जिसके रिस्पेक्ट की बात करी जाती है उसको हम नीचे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम ऐसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कहा जाएगा तो एयर का नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का ऊपर आ जाएगा 1.33। ये एक ट्रिक है, विथ रिस्पेक्ट टू जिसकी बात करी जाए वो नीचे आएगा। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया और ये सारा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे आसानी से सॉल्व करके पा लेंगे 1.82 अप्रॉक्सीमेट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मीन्स वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ एयर, उसको हम नीचे लिखेंगे और इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो 1.82 आ जाएगा। और बाकी ये जो है ये लॉन्ग कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान नहीं रखना है। सो अभी मैंने आपको सेक्शन सी भी करा दिया, इससे पहले सेक्शन ए भी करा चुका हूँ, बी भी करा चुका हूँ और सी मैंने अब करा दिया। अब मैं बहुत जल्दी सेक्शन डी भी डालने वाला हूँ। बच्चों आप लोग धैर्य रखिए
और कोई भी क्वेरीज हो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में, मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के साथ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जल्दी से जल्दी जितना हो सके उन बच्चों को भी शेयर करिए जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि CBSE सैम्पल पेपर आ चुका है और बोर्ड होंगे इसी सैम्पल पेपर के बेस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।